हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डायनेमिक्स ऑफ मशीन में हमने बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन में एक एग्जांपल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, मल्टी सिलेंडर बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी GTU में आ गया है। सो द इंटरमीडिएट क्रैंक ऑफ फोर सिलेंडर सिमेट्रिकल इंजन, यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रैंक की बात की है, जो टोटल चार क्रैंक होगी, ठीक है, उसमें से दो क्रैंक की बात की है यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रैंक। ओके, फोर सिलेंडर सिमेट्रिकल इंजन विच इज़ एन कम्प्लीटली प्राइमरी बैलेंस आर 90 degrees टू ईच अदर, यानी कि जो इंटरमीडिएट क्रैंक है वो 90 degrees एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड ईच हैज़ अ रेसिप्रोकेटिंग मास ऑफ 300 kg। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो ग्रीवन डेटा में, सो द हियर इनर क्रैंक 2 and 3 आर 90 degrees एंड मास M2 and M3 इज इक्वल टू 300 kg, ठीक है, और मास M1 और M4 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंटरमीडिएट क्रैंक इज 600 mm, यानी कि यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 600 mm। ओके, सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे ये चारों क्रैंक बताई हुई है, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड का जो डिस्टेंस है वो है 600 mm। ओके, और एक्सट्रीम डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 1800 mm। ओके, सो यहाँ पे एक्सट्रीम डिस्टेंस 1800 है, इन बिटवीन 600 है, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 600 ही होगा। सो यहाँ पे आगे देखते हैं, द एक्सट्रीम क्रैंक इट इज़ 1800 mm, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सट्रीम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक्स आर 900 and 300 mm रिस्पेक्टिवली, यानी कि कनेक्टिंग रोड की जो लेंथ है, ठीक है, जिसको हम L बोलेंगे, वो है 900 mm 0.9 meter, एंड रेडियस जो है क्रैंक की वो है 300 mm और वी कैन से 0.3 meter। फिर उसके बाद कैलकुलेट द मासिस फिक्स टू द एक्सट्रीम क्रैंक्स, यानी कि एक्सट्रीम क्रैंक कौन सी है, M1 and M4। सो हमें M1 and M4 के जो मास है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, देन एंड देयर रिलेटिव एंगुलर पोजिशन, यानी कि यहाँ पे θ1 and θ4 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मास M1, मास M4, θ1, θ4 ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी फोर्स एंड कपल अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द सिस्टम इफ़ इंजन स्पीड इज 1500 rpm। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंडरी फोर्स एंड सेकेंडरी कपल, ठीक है, तो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन एंड सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन भी हमें फाइंड आउट करना है एट द स्पीड ऑफ 1500 rpm। तो यहाँ पे rpm दिया हुआ है 1500, तो हम ओमेगा एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं 2π n/60, एंड उसका जो आंसर आ रहा है वो है 157.07 रेडियन पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेटर अपने साथ रख सकते हो, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप साथों साथ ड्रॉ करते जाओ, तो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आप ये पूरा जो प्रॉब्लम हो उसको समझ सके, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा लेंथी भी है, तो आप शांति से पूरा वीडियो देखिएगा। सो द प्लेन 1, 2, 3 and 4 यहाँ पे दिया हुआ है, मास जो है 1 and 4 वो हमें फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया, देन मास 2 and 3 जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेडियस, क्रैंक रेडियस जो है वो फिक्स है, 0.3 सब में आ गया। उसके बाद यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो M into R, जैसे कि आपको पता है, अगर आपने आगे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है, M into R। सो यहाँ पे 0.3 M1, देन इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 90, यहाँ पे भी 90, एंड यहाँ पे होगा 0.3 M4, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो अननोन है, M1 and M4, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, तो यहाँ पे जो चार है उसमें से हमने रेफरेंस प्लेन जो है उस फर्स्ट को हमने रेफरेंस प्लेन कंसिडर किया है, तो फर्स्ट प्लेन जो है उसका डिस्टेंस 0 होगा, फिर 0.6, 0.12 एंड 1.8, 600 mm बढ़ता जाएगा। सो 0, 0.6 मीटर,
1.2 मीटर एंड 1.8 मीटर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया डिस्टेंस। उसके बाद कपल, कपल इज इक्वल टू एम आर एल यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे जीरो होगा। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, सॉरी एम आर एंड एल, ठीक है, इसका नहीं होगा, एम आर एल, ठीक है। सो यहाँ पे 54 होगा मास, रेडियस एंड लेंथ, ओके। तो 54 होगा, फिर यहाँ पे ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 108 होगा, और यहाँ पे ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एम फोर जो है वो अननोन है, सो यहाँ पे 0.3 × 0.3 × m4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो, सॉरी 0.3 × 1.8 × m4, ठीक है, 0.3, 1.8 एंड m4, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.54 m4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें कपल मिल गया। उसके बाद प्राइमरी क्रैंक एंगल, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइमरी क्रैंक एंगल लेना है। सो थीटा वन एंड थीटा फोर ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, थीटा वन एंड थीटा फोर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो इन बिटवीन, जो इंटरमीडिएट जो क्रैंक है, उसका एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक को हम एज अ रेफरेंस कंसीडर करें, आप यहाँ पे अगर देख सको, एक को रेफरेंस कंसीडर करें तो दूसरा जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टू को एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, तो टू के रेफरेंस से थ्री जो है वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद थीटा फोर हमें फाइंड आउट करना है, थीटा वन एंड थीटा फोर। अब सेकेंडरी क्रैंक एंगल जो है वो हमें 2θ लेना है। सो थीटा वन इंटू टू, यानी कि 2θ1, यहाँ पे जीरो ही रहेगा, 90 का हो जाएगा 180 और थीटा फोर का हो जाएगा 2θ4, ओके। तो अभी आप ये टेबल पूरा कर लो, उसके बाद टेबल हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, अब कपल पॉलीगॉन एंड फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो अब कपल पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक अननोन है, एंड फोर्स पॉलीगॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे M1 एंड M4 दो अननोन है, यहाँ पे एक अननोन है और यहाँ पे दो अननोन है। तो यहाँ पे एक अननोन होने की वजह से हम पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कपल पॉलीगॉन क्यों पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही अननोन है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कपल पॉलीगॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये टेबल आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेबल में, जैसे ये कपल में एक ही अननोन है और यहाँ पे फोर्स में दो अननोन है, तो इसीलिए हम कपल पॉलीगॉन सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो कपल पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट है वो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड को हमने रेफरेंस लिया है, तो जीरो डिग्री, जो सेकंड को जो जीरो डिग्री है, तो जीरो डिग्री के पे 54 हमें लेना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम स्केल ले लेते हैं, तो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg × m², ठीक है। सो उसके हिसाब से, ये स्केल के हिसाब से हमें यहाँ पे 54 जो है kg × m² वो लेना है। तो 10 kg × m² इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 54 kg × m² इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो लेंगे O to A' वो 54 kg × m² के हिसाब से सेंटीमीटर में हमें लेना है, ठीक है, स्केल लेना है। वो आगे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A' से B', तो यहाँ पे ये हमने जीरो कंसीडर किया था एंगल, उसके बाद 90 डिग्री पे, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री पे हमें B' लेना है, ठीक है। तो B' वो कितना होगा, 108, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, 54, यहाँ पे तो जीरो ही है, तो 54, उसके बाद लिया 108, ठीक है। तो 108 जो हमने लिया डिस्टेंस स्केल से सेंटीमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा B', ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही करना है कि 10 kg × m² इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 108 kg × m² इज इक्वल टू कितना, ठीक है। तो उसके हिसाब से 10.8 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। तो फिर ये पॉइंट मिल जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो है जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब ये जॉइंट कर दोगे और फिर यहाँ पे
स्केल जो आपको जितना सेंटीमीटर मिला उसके हिसाब से यहाँ पे 0.54 m4 इज इक्वल टू, ये जितना भी सेंटीमीटर मिला आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा स्केल जो है वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी सेंटीमीटर मिला उससे 10 को मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 0.54 m4, तो m4 आपको मिलेगा 222.22 kg, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास मिल गया। अब थीटा 4 हमें फाइंड करना है, तो ये पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे उसका जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे आप मेज़र कर लो, 245 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा 4 है वो भी मिल गया हमें 245 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 4 जो है वो हमें मिल जाएगा 245 डिग्री, और m4 जो मिला हमें वो मिला 222.22, ठीक है। तो एक्जैक्टली हमें यहाँ पे रखना है m4, तो m4 कितना है 222.22 kg, ठीक है। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 0.54 के साथ, ठीक है। तो m4 थीटा 4 मिल गया, समझ में आ गया आपको। उसके बाद प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन, ठीक है, तो यहाँ पे भी m4 की वैल्यू रख दो, तो 222.22 इंटू 0.3 करोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ 66 point something कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये डेटा लेके हमें फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो फोर्स पॉलीगॉन, प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन स्केल ले लेते हैं हम, स्केल जो है वो सेम लेंगे, 1 centimeter इज इक्वल टू 10 kg into meter। आप यहाँ पे डिफरेंट स्केल भी अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है हमारा वो रेफरेंस है 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है और वो डिस्टेंस भी यहाँ पे कितना है, सॉरी 90 डिग्री नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें 90 kg into meter लेना है, ठीक है। सो 90 kg, 10 kg into meter इज इक्वल टू 1 centimeter, तो यहाँ पे 90 पे कितना होगा, ऑब्वियसली 9 centimeter होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 centimeter लेना है O2A। उसके बाद ये हो गया 90 डिग्री पे, उसके बाद 90 डिग्री पे हमें अगेन 90 mm लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 centimeter ले लेंगे। अब यहाँ पे B मिला, अब उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल गई 0.3 इंटू m4, हमने m4 फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे, सो यहाँ पे उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ 66 point something कुछ आएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे B से C लेना है, और ये जो लाइन हम लेंगे, ये लाइन जो लेंगे वो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये जो लाइन है ना उसके बिल्कुल पैरेलल हमें ये लाइन लेना है, तो हमें मिल जाएगा पॉइंट सी। अब यहाँ पे ये कितना होगा, 66 point something कुछ डिस्टेंस है, हम देख लेते हैं आगे, मैंने लिखा हुआ था ओके 66.66 है, ठीक है। तो यहाँ पे 66.66 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू लेके हमें यहाँ पे स्केल लेके सी पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ से सी जो है उसको जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब ओ से सी जॉइंट करोगे वो आपका होगा 0.3 m1, ठीक है, ये आपका होगा 0.3 m1, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3 m1 मैंने लिखा हुआ है, और स्केल में जितना भी सेंटीमीटर आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल में 10 लिया है, इज इक्वल टू 0.3 m1, तो अगेन m1 हमें मिलेगा 222.22 kg, ठीक है। कोइंसिडेंस है, दोनों सेम मिल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, अलग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m1 भी हमें मिल रहा है 222.22 kg, और उसके हिसाब से यहाँ पे थीटा 1 जो है वो भी यहाँ पे मिल रहा है 210 डिग्री, ठीक है। सो थीटा 4 जो है वो कितना मिला हमें, 245 डिग्री, थीटा 1 जो है वो मिला हमें 210 डिग्री, ठीक है। आप जब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तो आप मेरे साथ ही कीजिए और ड्रॉ भी कीजिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हमें प्राइमरी क्रैंक पोजीशन लेना है। प्राइमरी क्रैंक पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, तो ये चारों का एंगल अब हमारे पास है, ठीक है। थीटा 2 का तो 0 है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी। थीटा 1 का जो है वो 210 डिग्री है। थीटा 3 जो है, ठीक है, वो 90 डिग्री है। और उसके बाद थीटा 4 जो हमने हमको यहाँ पे मिला वो मिला 245 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्रैंक होगा वो यहाँ पे होगा, फर्स्ट सॉरी
थर्ड क्रैंक जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्रैंक जो है 210 डिग्री, यानी कि वो यहाँ पे फर्स्ट क्रैंक होगा, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ क्रैंक होगा 245 डिग्री, वो यहाँ पे होगा फोर्थ क्रैंक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी क्रैंक पोजीशन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला पोर्शन। अब दूसरे पोर्शन की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा, प्राइमरी कपल पॉलीगॉन एंड प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन, और उससे हमें क्या मिला, M4, M1, थीटा4, थीटा1, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया प्राइमरी हो गया। अब हम करेंगे सेकेंडरी बैलेंसिंग ऑफ इंजन। तो यहाँ पे जो प्लेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये टेबल तो सेम टू सेम रहेगा। हमने क्या किया है, वैल्यू रख दी है, M1 की जगह यहाँ पे 222 रख दिया, फिर 300 तो हमारे पास था, M4 की वैल्यू रख दी, ये सब कुछ था, ये दोनों हमने फाइंड आउट किए, जो मैं राउंड करता जा रहा हूँ वो हमने फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया ये थीटा4 हमने फाइंड आउट किया, देन थीटा1 हमने फाइंड आउट किया। तो ये सब हमने फाइंड आउट किया और यही टेबल को यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, ये जब हम देखेंगे टेबल, तो लास्ट में जो प्राइमरी क्रैंक एंगल और सेकेंडरी क्रैंक एंगल होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, यानी कि यहाँ पे 210 है तो 420 हो जाएगा। अब 420 का मतलब क्या है कि 360, मतलब पूरा एक राउंड हो जाएगा 360 प्लस 60, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो एंगल लेना है फर्स्ट के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए जो हमने एंगल लिया वो कितना लेंगे हम, 60, ठीक है। और हम बोल सकते हैं 420, यानी कि एक राउंड घुमा के उसके ऊपर 60, ओके। उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस कंसीडर किया था इसीलिए हमने 0 रखा है। उसके बाद 180 है, तो यहाँ पे ये थर्ड का जो है वो 180 है, आप यहाँ पे देख सकते हो थर्ड का जो है वो 180 है। उसके बाद यहाँ पे 490 है, यानी कि 360 प्लस 130, तो यहाँ से 130 लेंगे हम, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी बैलेंसिंग में हमने कुछ नहीं किया, पूरा टेबल जो था उसमें डेटा रखा, और लास्ट में जो था सेकेंडरी क्रैंक एंगल हमने 2 थीटा लिया था, वो थीटा के हिसाब से यहाँ पे हमने क्रैंक की पोजीशन ले ली, ओके। अब क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन, ठीक है, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन ये डेटा के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यानी कि ये 0 डिग्री पे है 2, और वो कितना है 90, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 90 को कंप्लीट किया, ठीक है, वो स्केल ले लो आप, जैसे मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 kg into meter, ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे स्केल ले सकते हो। तो यहाँ पे 90 लिया हमने kg into meter, फिर उसके बाद ये जो 1 है, क्रैंक 1 है, उसका पैरेलल यहाँ पे लेना है, और 1 का यहाँ पे दिया हुआ है 66.66, तो यहाँ पे हमने लिया 66.66। उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से 4 लेना है। अब 4 का एंगल कौन सा है, तो 4 अब 4 का यहाँ पे फोर्स कितना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 66.66, तो यही हमने लिया है। उसके बाद 3 जो है 180 पे 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिया है, और 3 का एंगल कितना है, तो यहाँ पे है 90, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा ये एंगल के हिसाब से यहाँ पे सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो डी से ओ हब जब हम ज्वाइंट करेंगे, तो ये डी और ओ का जो डिस्टेंस होगा वो स्केल लेके हमें यहाँ पे वो डिस्टेंस यहाँ पे रख देना है ओ डी, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन से। अब एन क्या है, एन इज़ द ऑब्लिक्विटी रेशियो, और ओमेगा भी हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो ऑब्लिक्विटी रेशियो एल अपॉन आर। तो यहाँ पे एल जो है वो कनेक्टिंग रोड की लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो क्रैंक रेडियस है, तो यहाँ पे एन मिलेगा 3, तो वो 3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो हमें मिला वो मिला सेकेंडरी फोर्स, ठीक है, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन से हमें यहाँ पे मिला सेकेंडरी फोर्स। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन, ठीक है, तो हमने स्केल तो ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे भी दोनों अलग अलग स्केल लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अब सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन के लिए ये क्रैंक की एंगल तो है ही, सेकेंडरी क्रैंक एंगल तो हमारे पास है, तो यहाँ पे
जो रेफरेंस हमने लिया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, तो वो पहले हमने ले लिया, और यहाँ पे सेकेंडरी जो कपल है वो उसका जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 54, तो हमने 54 डिस्टेंस लेके यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 कितना है 0, तो यहाँ पे भी 1 तो यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि 0 है। उसके बाद यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 4 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो है 120। तो यहाँ पे 4 जो है उसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे हमने क्या किया है 120 यहाँ पे लिया है, 4 जो है उसके पैरेलल हमने यहाँ पे 120 ले लिया। उसके बाद है यहाँ पे 3, तो 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 108, सो यहाँ पे हमने 3 जो है वो 108 यहाँ पे ले लिया। अब ये जो हमारा एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है उसको जॉइंट करते हैं, और इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 154 और उसके अराउंड, ठीक है, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, तो 154 मिलेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन कर देना है। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन करोगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन, यानी कि सेकेंडरी कपल, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्राइमरी फोर्स, प्राइमरी कपल, सेकेंडरी फोर्स, सेकेंडरी कपल, ठीक है, ये चारों चीज़ हमने फाइंड आउट की, और उसके साथों साथ हमने थीटा 1, थीटा 4, M1, M4 ये सब वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।